लोग जी मैं संतोष जी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी एंड मे ही हैव द बेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ दिस 2018. वेल आई थिंक संतोष जी बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं और दिल से काम करते हैं और मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ. जब झलक दिखलाजा किया था तो वो मेरे साथ थे और मुझे ये लगता है दैट यू नो ही हैज़ सो मेनी आर्टिस्ट एंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट एंड ही हैंडल्स ईच वन सो वेल. सो इट्स गुड टू हैव अ मैनेजर हु सो एंटरप्राइजिंग एंड हैज़ सच अ गुड नेटवर्क एंड मैनेजेस मी सो वेल, मेक्स श्योर दैट ऑल माई नीड्स एज एन आर्टिस्ट आर मेट. एंड या आई थिंक ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड एट द सेम टाइम अ वेरी नाइस गाय. जी हाँ, आई लाइक टू विश संतोष जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. संतोष सर के साथ मेरा पिछले 3 साल का एक बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं 2 साल से उनके बर्थडे में नहीं आ पा रही, लेकिन इस साल मैं यहाँ थी तो मुझे था कि मैं संतोष सर के बर्थडे पे ज़रूर जाऊँगी और उनको ढेर सारी बर्थडे विशेस दूँगी और चाहूँगी कि जितनी तरक्की उन्होंने अब तक की है उससे बहुत 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 ज़्यादा और तरक्की करें और हम लोगों को हमेशा याद करते रहें. ऐसे और बहुत सारे बर्थडेज हों उनके जिसमें वो हमें बुलाएं और हम आएं और जश्न मनाएं उनके बर्थडे का. सॉरी, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. हाँ, जो शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उसके ऑडिशन में गई थी सर के साथ तो बहुत मज़ा आया था और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि शो भी बहुत अच्छा कर रहा होगा. अफकोर्स अच्छा कर रहा होगा बिकॉज ये डेटिंग शो है, यूथ बेस्ड शो है, तो उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं कि शो अच्छा कर रहा होगा कि नहीं. ऑब्वियसली अच्छा कर रहा होगा. संतोष सर बड़े बिंदास इंसान हैं और कुछ भी फेक नहीं है, जो है वो पर है. तो सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे उनकी यही लगती है कि बहुत बिंदास ऑनेस्ट इंसान है. सर हैप्पी 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 बर्थडे और पंजाबी में बोलूँगी कि खुश रहो और रब्ता रू बहुत तरक्की बख्शन और ऑसम बार विश्व बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि सब लोग यहाँ पर आएँ और जब भी कोई गेट टुगेदर करनी हो यहाँ आएँ और इन्जॉय करें. थैंक यू. बस संतोष गुप्ता जी को यही कहना चाहेंगे कि वो जिए हज़ारों साल ताकि वो जितने साल जिए उतना हम लोगों का भला करें, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको काम दें और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं एंड बहुत लोगों को हेल्प करते हैं. आई विश हिम लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन हिज लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. डे टू डे के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक रोल के ऑडिशन के लिए गई थी एज अ जज एंड इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आई विश कि ये शो बहुत अच्छा चले और यंगस्टर्स ऑफकोर्स इसको बहुत पसंद करेंगे और उनको पसंद करना भी चाहिए. आई विश हिम गुड लक. थैंक यू. मैं इस आउटफिट के बारे में क्या बोलूँ. बाय द वे हर लड़की रेड में बहुत अच्छी लगती है तो रेड इज़ द कलर, रेड इज़ हॉट कलर एक्चुअली. मैंने बोला संतोष गुप्ता जी
हैप्पी बर्थडे संतोष गुप्ता जी, एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, वेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड मे यू ग्रो हैप्पीली इन लाइफ एंड यू सक्सीड सक्सेसफुली. एक बार बर्थडे स्टार्ट हो जाए फिर आप हमारा धमाल देखिए. अब क्योंकि बर्थडे भी जिस इंसान का है, इट्स मिस्टर संतोष गुप्ता. इज अ पार्टी एनिमल. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट टाइम सेलिब्रिटी मैनेजर, ही इज फुल टाइम पार्टी एनिमल. और बर्थडे बॉम्ब्स, बर्थडे बॉम्ब्स उनको मारना है. उनको मिलेंगे एक्चुअली, आज मिलेंगे. सो वेल, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि संतोष इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड यू नो आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड. सो हम लोग, मी एंड कबीर, हम लोग तो वैसे उनके साथ बहुत चीज़ करते रहते हैं. सो आज जब उनका बर्थडे है तो दिस हैज़ टू बी वेरी स्पेशल. एंड ये जगह भी ऑफकोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहे हैं एंड वी आर गुड दैट यहाँ का फूड बहुत अच्छा है. हमने तो खाया, मैंने तो खाया. हाँ, दैट्स व्हाट आई मीन. मेरे बर्थडे के संतोष जी के बर्थडे के लिए, संतोष जी के बर्थडे के लिए जो मेरा आउटफिट है, दैट इज ऑफकोर्स इट्स अ बेस्ट फ्रेंड्स आउटफिट, बिकॉज आई एम वन ऑफ संतोष जी बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा वो कहते हैं. सो ऑफकोर्स इट्स अ सीक्वेंट ड्रेस फ्रॉम, ले देती हूँ ब्रांड का नाम, इट्स ज़ारा लिमिटेड एडिशन एंड आई एम वेयरिंग दैट. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. अरे बहुत सारे विशेष है कि संतोष जी बहुत साल जियो, बहुत सारे और आपके अंडर में सेलिब्रिटीज आए जिनको मैनेज करो और मुझे बहुत हेल्प करो टू ग्रो. नहीं, ऑफ कोर्स, जस्ट टू विश हिम यू नो हेल्दी लाइफ अहेड एंड जस्ट सेफ जर्नी एंड विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यस. हेलो. यार अभी तो धमाल करने की अभी प्लानिंग, वार्म अप भी चालू नहीं हुआ है. जस्ट 11:15. ये हमारे रात के राजा हैं संतोष जी, तो ये दूसरों को भी रात के राजा और रात की रानी बना देते हैं. सो प्रैक्टिकली लेट्स सी हाउ द पार्टी गोज. यू कैन सी अंदर कैसे वार्म अप हो रहे हैं और अभी बहुत सारे फ्रेंड्स आना बाकी हैं. सब अपने अपने काम से फ्री होकर आने वाले हैं. धमाल तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है जो शायद आप तक कैमरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट मस्ती होने वाली डेफिनेटली. डे टू डे उनका शो भी आ रहा है. हाँ संतोष जी, आई हैव ऑलरेडी कंग्रेचुलेटेड हिम एंड मोर ओवर आई विश हिम रियली वेरी गुड लक फॉर हिज शो एंड इट्स सो फार डूइंग रियली वेल. संतोष भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट खुद ही है, तो ही हैज़ ऑल्सो गॉट अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर हिज ओन शो. सो लेट्स ऑल विश हिम लक एंड गुड सक्सेस अबाउट इट. थैंक यू. This is the first birthday of his that I am actually attending. I've been with him for so long. I know him. But unfortunately, कभी होता था कि कभी birthday होता था, मैं कभी attend नहीं करता पाती थी. कुछ ना कुछ हो जाता था because we are actors, हमारी dates नहीं ऐसा सब. But this is the first time I am attending and I'm really, really, really excited for Santosh Gupta's birthday. And yes, he is a very good person. He's going so well in his life and I actually wish him to grow more happier and more wealthier in his life. So this is what I am wishing and I am really excited for his birthday. Can
उन्होंने एक नया शो भी चालू किया डेट टू डेट, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? Well, we haven't spoken about this, but I have seen all the hoardings and that is really exciting. One of my friend actually was talking about this and I was not knowing about that he is the one who is making it. So the moment I got to know, I was like, wow, but I already shared the feelings of audience. They are saying this, that this is quite interesting and people actually while driving, okay, if I talk about my stuff, I was driving and I got a double look like, what is it? So this is a very, very interesting hoarding, if you can say it till now. It's very nice in a reality show. Well, ये तो लड़कियों को हमेशा तारीफ चाहिए, so कितनी तारीफ़ चाहिए थे नहीं, this is all for me. I am so happy and well, I have been thinking about that. I have dressed up for his birthday much because I know I am pretty, so but thank you. बस कुछ अच्छा लगा वॉर्डरॉप में एंड देन आई डिसाइडेड टू वेयर फॉर हिज बर्थडे लाइक अ ब्लू एंड अ ब्लैक कॉम्बिनेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. यार हमारे गुप्ता जी का बर्थडे है तो गुप्ता जी की बर्थडे पर हमेशा हम रहते हैं, हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हैं. आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट गुप्ता जी इज दैट ऑफकोर्स संतोष गुप्ता इज नेम, बट प्यार से मुझे गुप्ता जी बुलाते हैं, उनकी शक्ल ही एकदम ऐसे गुप्ता जी जैसी है, यू नो. सो आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैनेजर्स आवर इंडस्ट्री हैज़ रियली. बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही, और ही हैज़न्ट पेड मी फॉर दिस, ऑल राइट. ये मैं मन से कह रहा हूँ, बट ये बहुत ही जेन्युइनली जेन्युइनली सही बंदा है ये. ओके, सो विश हिम ऑल द बेस्ट एंड विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और ऐसे फूलो फलो एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क. थैंक यू सो मच. इट्स अमेजिंग कि उन्होंने ऐसा खतरनाक शो, वो भी एम टी वी पर, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल शो एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर इट. थैंक यू. संतोष जी का बर्थडे क्या, कुछ धमाल करने का प्लान है? मैं तो निकल जाऊंगा फटाफट, मेरा शूट है कल. बट हाँ, संतोष जी का बर्थडे है, और संतोष जी को मैं काफी सालों से जानता हूँ, और अंदर घुसेंगे, जाके देखेंगे और कौन कौन आया, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितना धमाल करना है, कितनी देर रुकना है और कितनी जल्दी निकलना है. वो डिपेंड करता है अंदर कौन कौन बैठा है. क्या कोई आपकी मूवमेंट या कोई यादें या कुछ बात अच्छी लगती थी संतोष जी के बारे में? अच्छा, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. संतोष जी के बारे में कुछ अच्छा बोलना बड़ा मुश्किल काम है. नहीं, संतोष जी एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है मुझे लगता है, और आई थिंक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं मैक्सिमम लोगों को मैनेज करते हैं वो लोग, एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल अबाउट हिज वर्क, और यही है मुझे सबसे अच्छा लगता है. और वो अपने एक्टर को अपनी फैमिली बना के रखते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट. डे टू डे उनका एक शो है जो जी, उसके लिए बहुत बेस्ट विशेज हैं. एम टी वी पे आ रहा है वो, मैंने सुना है बहुत अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं शो के, और मैंने शो के रशेज भी देखे हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है शो, और मेरा भाई उसका बहुत बड़ा पार्ट है, मनु पंजाबी, तो अच्छा शो बना है. ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी एपिसोड बाकी हैं उनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा जाए कि उसके और भी बहुत सारे सीजन बैक टू बैक आते रहे. थैंक यू. धमाल अभी तो हम लोग आए हैं तो धमाल अभी शुरू होगा, तो संतोष जी का बर्थडे तो धमाल तो बनता ही है. एंड मैं उनको ये विश करना चाहूँगी मेनी 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 हैप्पीनेस ऑफ द डे, और ऐसे ही धमाल करते रहे, हम पार्टीज करते रहे, और आई रियली विश हिम लक कि वो अपने जो उन्होंने एम टी वी का शो जैसे प्रोड्यूस किया है, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज प्रोड्यूस करते रहे. उनके साथ वाला कुछ बात जो आपको अच्छी लगती है?
मुझे उनकी बहुत सारी बातें, ही इज़ वेरी, वो जैसे हैं वैसे हैं काइंड ऑफ पर्सन, सो आई रियली लाइक हिम एंड आई फील विद मी ही इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक यू नो ही इज़ काइंड ऑफ वेरी, आई फील वेरी कम्फर्टेबल विद हिम, सो ही इज़ अ नाइस चैप. हाँ, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है कि जैसे उन्होंने MTV का शो प्रोड्यूस किया है, वैसे वो बहुत सारे शोज और भी प्रोड्यूस करते रहे, तो ये मेरी, मतलब मैं उनको इस बात के लिए विश देना चाहती हूँ. बैटरी कम हो ना, फोकस आउट हो जाता कैमरे का. कुमार भाजी इधर आओ, कुमार भाजी प्लीज आओ ना, प्लीज आओ, कुमार भाजी इधर. बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो अभी मस्ती कर रहे थे उनके साथ में कि वो कितने साल के हो चुके हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि वो अभी काफ़ी यंग है क्योंकि वो काफ़ी सालों से बोल रहे हैं. बट बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वो ऐसे शख्सियत है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और हमेशा हंसते रहते हैं और हर चीज़ को बोलते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो एटीट्यूड है उनका बहुत कुछ सिखाता है बहुत सारे हम एक्टर्स को कि हमें अपना काम बिल्कुल यू नो पेशेंस के साथ करना है और उसी एटीट्यूड के साथ करना है कि हार नहीं माननी है और काम करते रहना है. सो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड ऑफकोर्स टुडे इज़ अ स्पेशल डे, सो दैट्स वाई आई एम हियर. आई हैव जस्ट अटेंडेड गोल्ड अवार्ड्स एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम सो फनी राइट नाउ. इट्स बिकॉज ऑब्वियसली आई एम कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द अवार्ड बिकॉज ऑब्वियसली मैं मिस नहीं करना चाहती थी संतोष का बर्थडे. सो या हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका कंसेप्ट है और मेरे ख्याल से यही नहीं, बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आप वापस आने
यू नो आने वाले हैं और जिनके बारे में वो बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी करेंगे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें भी बताते रहते हैं. तो आई हैव जस्ट साइंड विद दिस यू नो पिनाकल, तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं उनके साथ में, लेकिन बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली भी काम करेंगे. तो अब बहुत खुशी है इस बात की कि प्रोफेशनली वी आर टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल पिनाकल, एंड आई एम ग्लैड कि वी हैव स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल. कल एक और इवेंट है और उसके बाद एक और इवेंट है, तो बस आई थिंक चीज़ें तो शुरू हो चुकी हैं उनके साथ में, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी. थैंक यू, थैंक यू. वेल, संतोष जी एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त है, वेल विशर है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि उनका बहुत ही प्यारा दिन जाए, बहुत ही प्यारा साल जाए, और इंशाल्लाह जो वो चाहते हैं ऊपर वाला उन्हें बड़ी आसानी से दे दे, और जो भी जायज़ उनकी इच्छाएं हैं, और मैं चाहता हूँ कि यू नो गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम एंड या उनके साथ कोई मूवमेंट बता जाएगा जो भी थी या कोई चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है आपको? उनकी जो कंसर्न होने की जो नेचर है, जहाँ पे वो हर सबके बारे में बहुत सोचते हैं, और उनका एक ही तरीका है कि जब दूसरे खुश होते हैं जो उनके साथ है, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जो बहुत ही कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, वरना सारे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं. तो यही एक उनकी तरक्की का भी राज होगा आई एम श्योर, और यही एक चीज़ है जो उनमें वो खास बात है जो मुझे अच्छी लगती है. वेल, मैंने वो शो नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मैंने सुना बहुत है उस शो के बारे में, और मुझे पता है कि वो शो बहुत ही अमेजिंग चल रहा है, और बहुत लोगों के सोशल मीडिया पे मैंने वो शो देखा है. तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह वो और भी बहुत अच्छे अच्छे शोज प्रोड्यूस करें. थैंक यू. बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और थोड़े बहुत काम से मेरे सारे दोस्त ज्यादा काम करते हैं. एक्चुअली संतोष जी के काम करने के बाद हम लोग को और ज्यादा काम करने की ताकत मिलती है, सो ही इज ऑलवेज दिस मोटिवेटिंग फैक्टर. क्या वरना सिर्फ मेरे लिए उमरगांव 8 बजे चली, 11 बजे पहुंची, यहाँ पार्टी खत्म करके चेंज करके सीधे वापस जाएंगी उमरगांव. आई थिंक ऐसे फ्रेंड्स का होना इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी बिजी हो, आपके लिए हमेशा टाइम निकाल के आए. एंड ऑफ कोर्स संतोष के लिए, संतोष जी के लिए मुझे आना ही था, सो या आई एम योर फॉर हिम. और ये हितेश भाई है, ये मीडिया शाये आदमी है, ये पार्टी मैंने नहीं भाई थ्रो की है, ये पार्टी हितेश भाई ने थ्रो की है, राजेश बांगा एक्स प्रेसिडेंट हीरोज ने थ्रो की है, और ये दोनों लोग मेरी ज़िंदगी में चंद 4-5 महीने पहले आए, लेकिन हम तीनों के रिश्ते कुछ इस तरह के बन गए हैं कि शायद मतलब वक्त से क्या होता है, हम जन्मों से एक दूसरे को रिश्ते में ताकत होनी चाहिए. और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो ये मैं वादा कर सकता हूँ कि किसी बहुत बड़ी चीज़ के साथ मिलेंगे, बहुत बड़ी चीज़, वो इतनी बड़ी चीज़ होगी जो देश भाई और राजेश भाई करने वाले हैं, जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा साथ खड़ा हुआ हूँ. थोड़े से साथ में पूरे बराबर के खड़े हो, और वो चीज़ खड़ी होगी आपके बलबूते पर, और ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप लोगों को सुन के देख के, और ये सारे मेरे दोस्त जितने भी आज यहाँ मेरे बंदे हैं, रिकॉर्ड हो चुका है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं वेरी सून, सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट. एंड मैं हम तीनों नहीं करने वाले हैं, मेरे जितने दोस्त यहाँ आए हैं, जितने एक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग. वी आर नॉट डूइंग समथिंग ऑन टेलीविजन, वी आर नॉट डूइंग समथिंग जो ये लोग नॉर्मल करते हैं, हम लोग कुछ सब कुछ अलग करने वाले, कुछ हटके करने वाले, वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा. प्रोफाइल या पैसे की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी हो गया मैनेजर या फिर? सर 6 साल पहले आज ही के दिन 19 जून को मैं शहर में आया था, 10 साल से इवेंट मैनेजमेंट करता था, अम्यूजमेंट पार्क, आर्चीज गैलरी, बहुत सारे बिजनेस किए थे, मुझे खुद ही पता था मैं यहाँ क्या करने आया हूँ. मैंने इवेंट मैनेजमेंट को जारी रखा, मूवी मर्चेंडाइज किया, मूवी कास्टिंग की, एक डांस स्टूडियो चलाया, कोरियोग्राफर्स को हायर किया, फोटो स्टूडियो चलाया, और एक साल के अंदर देखा कि बॉलीवुड की बहुत सारी एजेंसीज है, टेलीविज़न में कोई एक ऐसा मैनेजर नहीं है जो टेलीविज़न के एक्टर्स के साथ में काम करे और उनके लिए प्रॉपर ब्रांडिंग करे, उनको प्रॉपर वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं. मेरा दावा है
आज अपर्णा यहाँ खड़ी है, मैं अपर्णा के साथ चंडीगढ़ के एक मॉल में जाऊँ, अपर्णा के फैंस ज़्यादा होंगे, अगर मैं कहूँ नाम नहीं लूँगा किसी भी अपने बी लिस्टर बॉलीवुड हीरोइन का, लेकिन ये लोग उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये लोग हर घर में हर रोज़ देखे जाते हैं, इनके फैंस ज़्यादा हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी इनकी पहुँचने की वहाँ तक अपने व्यूअर्स तक। मैंने सिर्फ उस कोशिश को शुरुआत की और अब ऐसा हो गया कि हम लोग का काम नहीं चलता है संतोष जी के बिना, मैं मुझे रोज कॉल करना होता है क्या हो रहा है क्या चल रहा है। सारे प्रोजेक्ट सर, मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मैंने कहा एक साल मैंने स्ट्रगल किया, फिर मैं मिलाना चाहूंगा उस आदमी को, अगर वो कैमरे के सामने आ जाए, उसका नाम मिलान रायकर है। उस टाइम पे झलक दिख रहा था, सीजन वन की कास्टिंग कर रहा था कलर्स के ऊपर, और कलर्स नया चैनल था, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला निनाद के साथ। पहली सीजन में मैंने कुछ 6 लोगों की कास्टिंग की, दूसरे सीजन में मैं शान जैसे बड़े सिंगर को एज एन कंटेस्टेंट उस शो पे लेके आया, थर्ड सीजन में मैंने सुखविंदर सिंह को कंटेस्टेंट बना पाया, वो सारी मेरी मेहनत थी चैनल के सपोर्ट में, और वहाँ से ये सिलसिला चलता गया, खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए, बिग बॉस एंड ऑल फिक्शन शोज, वर्किंग विद बालाजी टू रश्मि शर्मा फिल्म टू शशि सुमित टू एवरी प्रोडक्शन हाउस, एंड नाउ वी आर वर्किंग विद एवरीवन। और अब शायद मैं थोड़ा सा अपने उस काम से ये नहीं कहूँगा बोर हो गया था, लेकिन करते करते शायद वो मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए। भगवान ने मेरे दो बड़े भाई मेरी ज़िंदगी में भेजे, जो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और तजुर्बे में मुझसे 100 गुना ज़्यादा हैं। राजेश बांगा 12 साल में 200 से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ कर चुके हैं, हीरोज़ के साथ रह के, बिना हीरोज़ के। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट ये लेकर मेरे सामने आए दोनों लोग, हम पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, अभी तक काम पूरा नहीं हो रहा है, हम उस पर सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन वो है कुछ ऐसा जब आप लोग देखेंगे, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसके साथ नहीं करने वाले। संतोष जी, एक सवाल है, काफ़ी अलग है, इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम भी हो चुकी है, काफ़ी गाउज की बात करें, आपकी नज़र में क्या है सब चीज़ें, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग? सर एकता ने अभी कुछ 2 महीने पहले एक बात कही थी, और एकता कपूर ने अगर कहा है तो उनसे बड़ा टेलीविज़न के लिए वो सत्य नहीं हो सकता। यहाँ कोई किसी के साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं करता। True. यहाँ पर मेरे साथ एक एक्ट्रेस है जो मेरी बहन जैसी है, मेरी दोस्त है, यहाँ एटलीस्ट इन टेलीविज़न देर इज़ नथिंग लाइक दैट। बट येस, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है अपने आप को स्टार बनाने की, अपने आप को बड़ा बनाने की, शायद वो जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, बट टेलीविज़न के अंदर आज की तारीख में ऐसी कोई भी मैंने घटना नहीं देखी या सुनी कि कहीं जो आपने वर्ड यूज किया कास्टिंग काउच वैसा कहीं कुछ देखने को मिला। आई थिंक एक पर्सनल चॉइस है, अगर आप चूज नहीं करते तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको फोर्स किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज चूज एंड यू कैन ऑलवेज से नो, तो आपको मना करना आना चाहिए। थैंक यू।